हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ इंडो चाइनीज रेसिपी ऑफ चिकन मंचूरिया। इसके लिए चाहिए चिकन पीसेस, इसे अच्छे से वॉश कर कर रख लीजिए, छोटे पीसेस काट कर रख लीजिए, एक एग, मिर्ची, एक अंडा, कच्चा मिर्ची, अदरक पीसेस, लहसुन, अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, फूड कलर। पहले एक बाउल को लीजिए, उसमें चिकन पीसेस को डालिए, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट को डालिए, रेड चिल्ली पाउडर को डालिए, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके अंदर मैदा को डालिए, और थोड़ा कॉर्नफ्लोर को डालिए, अंडा को फोट कर डाल लीजिए उसके अंदर, इसे अच्छे से मिलाकर रख लीजिए। उसके बाद उसके अंदर ब्लैक पेपर को डालिए, उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर को डालिए, उसके बाद अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाते रहिए। अदरक लहसुन पेस्ट को डालिए, थोड़ा सा ऑयल को डाल लीजिए, मिलाकर अच्छे से साइड में रख लीजिए। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हाफ एन आवर फ्रिज में रखकर छोड़ लीजिए। ऐसा फ्रिज में से बाहर निकालने के बाद स्टोव को जलाकर ऑयल को रख लीजिए, ऑयल को गर्म होने दीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद ये पीसेस को डालकर इसमें अच्छे से फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई कर लीजिए। ऐसे डालने के बाद लो फ्लेम में रखकर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। से निकाल कर एक प्लेट में डाल लीजिए। ऐसे बनाकर साइड रख लीजिए। दूसरा बाउल को रख लीजिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, ऑयल गरम होने के बाद
दो लहसुन टुकड़े, लहसुन को डालिए, उसके बाद अदरक पीसेस को डालिए, उसके बाद कच्चा मिर्ची, इसे डालकर अच्छे से भून लीजिए 3 मिनट्स। इसे 3 मिनट्स भूनने के बाद, इसे ऐसा भुनने के बाद इसके अंदर प्याज को डालिए, इसे भी अच्छे से भून लीजिए। इसे अच्छे से भूनते रहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर को डालिए, ब्लैक पेपर। उसके अंदर सोया सॉस को डालिए, उसके बाद उसके अंदर रेड चिल्ली सॉस को डालिए 2 टेबलस्पून। उसके अंदर टमाटर सॉस को डालिए, और उसे अच्छे से मिलाकर थोड़ा देर पकने दीजिए। अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा पतले से मिलाकर रख लीजिए। अब उसके अंदर इसे डालकर अच्छे से मिलाते रहिए। उसके अंदर थोड़ा सा वाटर पानी को ऐड कर लीजिए। इसके अंदर बड़े खाटी हुई प्याज को डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसा थोड़ा देर पकने के बाद उसके अंदर ये चिकन को डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर, अच्छे से मिला लीजिए। ऐसे थोड़ा देर मिक्स करने के बाद उसके बाद स्टोव को ऑफ कर लीजिए। यम्मी यम्मी चिकन मंचूरिया रेडी। इसे आप सर्विंग बाउल में सर्व कर लीजिए। तुम मुझे डाउट डाल दिए। अब इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लीजिए। यम्मी यम्मी चिकन मंचूरिया रेडी। कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा वीडियो? अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और उसके नीचे बेल आइकन को भी दबाइए। इससे मेरे हर नोटिफिकेशन आप जल्दी से देखने के लिए होगा। ओके रेडी, बाय फ्रेंड्स। कैसा लगा फ्रेंड्स ये वीडियो?
इसके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता को डालकर गार्निश कर लीजिए।